इसका इतिहास भी बहुत पुराना है और इसका जो फल होता है, नींबू का बगीचा भी है चंदू भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में व्यस्त होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गौरव गुरु। इन कुछ ऐसा, अभी हम ऑफिस में ही थे और अचानक चंदू भाई को जरूरत पड़ गई ढेला जाने की, इनका एक अर्जेंट काम निकल के आ गया और काफ़ी टाइम से हमने ब्लॉग भी शूट नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज एक ब्लॉग भी शूट कर लेता हूं। और दोस्तों आज हम जा रहे हैं रामनगर का एक बहुत खूबसूरत गाँव है ढेला, और वहाँ एक मंदिर है मानिला माता का मंदिर, ललिता माता का मंदिर एक बहुत बहुचर्चित मंदिर है ललिता माता का मंदिर। मैं आपको आज उस मंदिर के दर्शन कराऊंगा। और गाइस ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं सामने के बाजे कॉज में पड़ता है और बरसात में ये बहुत भव्य रूप ले लेता है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है। अभी तो बरसात नहीं है तो ये इस समय सूखा हुआ है और वैसे बारिश के दिनों में इसमें बहुत पानी होता है। तो चंदू भाई चले फिर ढेला को। हाँ, चलो चलो। और गाइस ये देखिए MBT ब्लॉग, सॉरी इंट्रोडक्शन कराना भूल गया था हमेशा की तरह MBT ब्लॉग। चलिए फिर चलते हैं। चलो और गाइज ढेला गांव जो है कॉर्बेट के नज़दीक है पूरा, और चारों तरफ कैसा जंगल है आप देख सकते हैं। ये बीच में एक खूबसूरत सड़क है ढेला को जाती हुई और ये चारों तरफ जंगल है। और आजकल इस गांव में एक तस्कर भी काफ़ी रोड में काफ़ी बार लोगों के द्वारा देखा गया है, हो सकता है आज हमें भी मिल जाए। और अगर आप रात के समय इस सड़क के आसपास घूमते हैं तो यहाँ पर टाइगर हिरन वगैरह इस रोड में सब चलते हैं। और यहाँ से आगे एक कॉर्बेट का झरना गेट भी पड़ता है और वहाँ से मैंने सफारी भी करी है 2-3 बारी, पर टाइगर के दर्शन तो मुझे वहाँ नहीं हुए थे लेकिन काफी मजा आया था। चंदू भाई आप गए हो कभी यहाँ? हाँ, मैं साल के 12 महीने खुलता है। हाँ, और उस गेट की एक खासियत है दोस्तों वो साल के 12 महीने खुलता है। तो भाई चलिए फिर दिखाते हैं आपको आगे ढेला गांव। और दोस्तों ये है ढेला गांव की नदी, इसी नदी के नाम पर यहाँ का गाँव का नाम भी ढेला पड़ा हुआ है, इस नदी का नाम ढेला नदी है। और गाइस बरसात के दिनों में ये पूरी पानी से भर जाती है, ऊपर पहाड़ साइड से काफी पानी आता है, वहां से उस साइड से काफी पानी आता है, तो ये नदी पूरी भर जाती है पानी से। और जल्दी ही नदी के ऊपर ब्रिज का काम स्टार्ट होने वाला गाइस। कुछ है लंगूर है, वो लंगूर है। चंदू भाई को लगा टाइगर है, वहाँ लंगूर है। और गाइस इस नदी के ऊपर पुल की संस्तुति हो गई है, अब देखिए अगले जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद कौन से कार्यकाल में बनता है। और यहाँ ढेला गांव में गाइस, ढेला गांव और जो सावंत गांव है गाइस, रिजॉर्ट होते हैं, रिजॉर्टों की चैनों के लिए भी जाना जाता है यहाँ गाइस। कंटिन्यू एक के बाद एक आपको एक से बढ़कर एक रिजॉर्ट मिलेंगे, और कभी अगर हम किसी रिजॉर्ट में गए तो आपको वहाँ का विजिट भी जरूर कराएंगे। वैसे मुझे लगता नहीं हम जाएंगे किसी रिजॉर्ट में, हम तो ढाबे पे ही खा लेते हैं। और देखिए गाइस कॉर्बेट में आप कहीं भी जाइए सब जगह कितना सुंदर व्यू है। और दोस्तों हम पहुँच गए फाइनली ढेला गांव। ये जो सड़क है ये झरना गेट को जाती है और ये गेट साल के 12 महीने खुला होता है। और जो हमने मंदिर को जाना है वो ये यहाँ से लगभग 35-40 सीढ़ियाँ क्रॉस करके जाना है। तो गाइस आइए चलते हैं मंदिर। और गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं ललिता मंदिर के द्वार पे। ये जो झरना गेट जाता है उससे जस्ट थोड़ा पहले आप राइट हैंड को ऊपर को मुड़ेंगे तो यहाँ पे ललिता माता का मंदिर का गेट है, और ये थोड़ा कच्चा रास्ता चल के हमको आना पड़ेगा यहाँ से ऊपर से। और गाइस ये है ललिता माता मंदिर का गेट, ये गाँव का बहुत प्राचीन मंदिर है, गाँव वालों की आस्था का केंद्र है, गांव वालों के पूर्वजों के द्वारा इस मंदिर को स्थापित किया गया था, ललिता माता। और दोस्तों ये ढेला में जो मंदिर है ललिता माता का मंदिर, ये भी जंगल के बीचों बीच में है, फॉरेस्ट लैंड में है। और देखिए कितनी प्यारी खूबसूरत सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, एग्जैक्ट मैंने नहीं गिनी, लगभग 35-40 सीढ़ियाँ शायद ये होंगी। और बहुत सुंदर मंदिर है, और गाँव वाले साल भर में यहाँ एक दिन भंडारे का आयोजन भी करते हैं, हम भी आते हैं उस दिन प्रसाद लेने के लिए। और ये माता का ही एक रूप है ललिता माता का मंदिर, गांव वालों की आस्था से बहुत जुड़ी हुई है, और जो कॉर्बेट में सैलानी आते हैं गाइस वो भी यहाँ पे आते हैं दर्शन करने माता के। आप भी अगर रामनगर में रहते हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर आएँ।
और हाँ, जो बंदे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं मोस्टली ये देख रहा हूँ अनसब्सक्राइब बंदे भी काफी वीडियो देखते हैं, तो प्लीज वो भी सब्सक्राइब करें, ऐसे ही उत्तराखंड की नई नई चीजें उन्हें मिलती रहेंगी देखने के लिए। अब हम आ गए हैं माता ललिता मंदिर के मुख्य द्वार पर, और दोस्तों ये है मंदिर का गेट, और ये मंदिर चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसमें गेट में और चारों तरफ बाउंड्री में सोलर फेंसिंग की गई है। सोलर फेंसिंग में ऐसा होता है, इससे सोलर पैनल से तार डिस्चार्ज होता है और हल्का सा एक करंट होता है, झंझनाहट सी होती है, अर्थिंग टाइप की। हाँ, तो जानवर जो होते हैं इसे पकड़ते हैं, फिर अंदर आते नहीं है मंदिर के, चले जाते हैं। और गाइस आप देख सकते हैं चारों तरफ मंदिर के सोलर फेंसिंग की गई है, और ये सोलर फेंसिंग बहुत खूबसूरत भी लगती है और बाउंड्री का काम भी करती है। और गाइस इस मंदिर के चारों तरफ बेलपत्र के पेड़ ही पेड़ है, चारों तरफ बेलपत्र से, बेलपत्र का जो एक जंगल है उस पर ये मंदिर घिरा हुआ है, और यहाँ पे एक छोटा सा शनिदेव का मंदिर भी है। परिसर में भी बहुत सारे बेलपत्र के पेड़ हैं। अभी गाइस गेट बंद है, नहीं तो मैं आपको अंदर भी लेके चलता। दरअसल मैं सुबह शाम मंदिर के गेट खुलते हैं पूजा करने के लिए घर वालों के, और परिसर भी यहाँ का बहुत साफ सुथरा है, नींबू का बगीचा भी है। चंदू भाई हम लास्ट टाइम आए थे तब यहाँ बैठने की सीटें नहीं थी, हम लोगों के बैठने के लिए भी यहाँ जो हमारे माननीय प्रमुख हैं रेखा रावत जी, उनके द्वारा यहाँ सीटें भी बना दी गई हैं बैठने की। देखिए ये यहाँ पे खूबसूरत नींबू का बगीचा है, और गाइस ये है वो बेलपत्र का पेड़ जो शिव जी को बहुत प्रिय होता है। आपने बेलपत्र के बारे में सब कुछ सुना होगा, इसलिए इसका इतिहास भी बहुत पुराना है, और इसका जो फल होता है उसका जूस हृदय के रोगी जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। और गाइस अगर कभी आप लोग कॉर्बेट घूमने आए और झरना गेट के पास अगर आए तो आप इस मंदिर में ज़रूर विजिट कीजिएगा, और यहाँ गांव वाले ऐसा मानते हैं कि यहाँ मन्नतें मांगते हैं उसके बाद मन की मुराद पूरी होती है, उसके बाद यहाँ भंडारे का आयोजन कराते हैं, तो यहाँ साल भर में कई बार भंडारे का आयोजन होते रहता है। तो गाइस आप यहाँ आइएगा, ज़रूर आइएगा, और देखिए कितने सुंदर शिवलिंग बनाया गया है। और गाइस तब तक आप यहाँ के कुछ सिनेमैटिक व्यूज एंजॉय कीजिए। तो गाइज अभी हम यहाँ पे आ गए, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और यहाँ पे आप बैठने के लिए बेंचें भी लग गई हैं, तो अभी तो हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, और थोड़ा यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए भी बहुत अच्छा है, तो थोड़ी देर हम बैठे रहेंगे गाइज। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइज मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।